फंड्स की कमी के बायस कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। मोहम्मद सिलाउद्दीन बताइए। देखिए बिल्कुल, ये कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहाली की तरफ गामजन है, ये कहना है पीआईए तर्जुमान का। तैयारों की कमी की वजह से 5 परवाजें मनसूख हुई हैं। जराए के मुताबिक कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK-369, कराची से फैसलाबाद जाने वाली परवाज है और लाहौर से कराची आने वाली परवाजें ये मनसूख की गई हैं, जबकि जराए का ये कहना है कि 4 अदद बोइंग 777, 5 अदद एयरबस 320 तैयारे जो लीज पर हासिल किए गए थे वो ग्राउंड थे, तो उसकी वजह से ये फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। जबकि पीआईए को 42 करोड़ रुपए से जायद का यौमिया नुकसान का सामना है और पीआईए तर्जुमान का ये भी कहना है कि चूंकि मुल्क की माशी सूरत हाल मनफी क्रेडिट रेटिंग लाइन की किल्लत, ज़रए मुबादले की किल्लत की वजह से भी पीआईए को मुश्किल का सामना था, लेकिन बैंकों से कर्जे मिलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन अपने बहाली की तरफ गामजन है। जी सलाउद्दीन, सिविल एविएशन ऑफिसर्स मेस में और सीए क्लब में यूनियन इजलासों पर पाबंदी लगाई गई है, क्यों? देखें ये बिल्कुल सिविल एविएशन अथॉरिटी इंतजामिया की जानिब से इसलिए पाबंदी लगाई गई है चूंकि वहां मीटिंग्स वगैरह की जाती थी, तो सीए इंतजामिया ने मुल्क भर के सिविल एविएशन ऑफिसर्स और मैस में सीए क्लब में भी यूनियंस इजलास की बैठक पर पाबंदी लगाई गई है। सीए इंतजामिया के खिलाफ जो मुजाहरे के लिए यूनियन सीबीए क्लब ऑफिसर्स क्लब का इस्तेमाल करती थी, तो उस पर पाबंदी अब आयद कर दी गई, पाबंदी लगा दी गई। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलाहुद्दीन।